26 मार्च को इतने बजे खेला जाएगा भारत इंग्लैंड दूसरा वनडे मुकाबला। घोषित हुई भारत की प्लेइंग 11, यह 11 खिलाड़ी उतरेंगे मैदान पर, हुई 3 धाकड़ खिलाड़ियों की वापसी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल धाकड़ क्रिकेट में। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा वनडे मुकाबला 26 मार्च को पुणे के क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है और इस मुकाबले को जीतकर टीम इंडिया अब सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बनाने की ओर बढ़ना चाहेगी, तो वहीं पर इंग्लैंड की टीम वापसी के लिए दम लगाएगी। दोनों टीमों के पास कई खतरनाक खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन भारतीय टीम के लिए कुछ बुरी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, जो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, प्लेइंग 11 व तमाम जानकारी जानने के लिए देखते रहे वीडियो को पूरा आखिर तक, और साथ ही आप भी टीम इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं तो कर दीजिए इस वीडियो को दिल से एक लाइक, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो दोस्तों, दूसरे वनडे मुकाबले से पहले ही टीम इंडिया के लिए एक बुरी खबर निकलकर सामने आ रही है, और ये बुरी खबर है सुरेश अय्यर को लेकर, क्योंकि अय्यर ने को फील्डिंग के दौरान पहले वनडे मुकाबले में कंधे पे चोट लगी थी और इसके बाद वो बाहर हो गए थे, लेकिन अब वो पूरी वनडे सीरीज और लगभग पूरे IPL से भी वो बाहर रह सकते हैं। उन्हें ठीक होने में करीब 4 महीने का समय लग सकता है, जिसके चलते अब उनका IPL में खेलना भी मुश्किल है। IPL के अलावा उनका एशिया कप के टूर्नामेंट में खेलना भी मुश्किल नजर आ रहा, यानी कि भारतीय टीम के लिए एक बड़ा झटका है अय्यर की ये चोट। इसके अलावा दोस्तों, भारतीय टीम के ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा को भी चोट लगी थी कोहनी में, लेकिन वो पूरी तरह से फिट हैं और भारतीय टीम के लिए दूसरे वनडे मुकाबले में एक बार फिर ओपनिंग करते हुए दिखेंगे, यानी कि एक बुरी खबर रही तो एक अच्छी खबर भी है टीम इंडिया के लिए। वहीं पर दोस्तों, इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पर ICC वनडे रैंकिंग की, तो यहाँ पर भारतीय टीम के ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा को बड़ा झटका लगा है, तो वहीं पर विराट कोहली नंबर 1 पर काबिज है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बुधवार को वनडे और T20 रैंकिंग जारी की है। वनडे में भारत के ओपनर रोहित शर्मा को एक स्थान का नुकसान हुआ है और वह बल्लेबाजों में टॉप 2 से बाहर हो गए हैं। पाकिस्तान के बाबर आजम दूसरे पायदान पर पहुंच गए हैं, वहीं भारतीय कप्तान विराट कोहली पहले नंबर पर काबिज है। विराट रोहित पिछले काफी समय से टॉप 2 पर काबिज थे, यानी कि नंबर 1 और नंबर 1 पर थे। ICC ने यह रैंकिंग भारत इंग्लैंड के बीच हुए पहले वनडे के बाद जारी की है। विराट और रोहित पिछले काफी समय से बैट्समैन रैंकिंग में टॉप 2 में काबिज थे। रोहित ने पहले वनडे में 28 रन की पारी खेली थी, इसका उन्हें नुकसान हुआ और वे 836 पॉइंट के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गए। फिलहाल ICC वनडे रैंकिंग में बल्लेबाजों की बात करें तो नंबर 1 पर विराट कोहली है 868 रेटिंग के साथ, तो वहीं पर दूसरे नंबर पर बाबर आजम है 837 रेटिंग के साथ, तीसरे नंबर पर रोहित शर्मा है 836 रेटिंग के साथ, तो चौथे नंबर पर रॉस टेलर है 810 रेटिंग के साथ। भारत के सिर्फ 2 ही बल्लेबाज मौजूद है, विराट कोहली और रोहित शर्मा। वहीं पर इसके अलावा हम बात करें यहाँ पर गेंदबाजों की रेटिंग में, तो गेंदबाजों की रेटिंग में जसप्रीत बुमराह एकमात्र भारतीय खिलाड़ी है जो नंबर 3 पर मौजूद है, जबकि नंबर 1 पर ट्रेंट बोल्ट मौजूद है। इसके अलावा दोस्तों, भुवनेश्वर और स्टोक्स को गेंदबाजी में फायदा जरूर हुआ, लेकिन स्टोक्स 75वें पायदान से 64वें पर आए हैं, तो वहीं पर भुवनेश्वर कुमार 5 स्थानों की छलांग लगाकर 20वें स्थान पर पहुंचे हैं। वहीं पर T20 रैंकिंग में कोहली भारत के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं। इस समय विराट कोहली नंबर 4 पर मौजूद है, तो नंबर 1 पर डेविड मिलान मौजूद है। भारत की तरफ से नंबर 4 पर विराट कोहली है, तो नंबर 5 पर KL राहुल है, जो कि एक पॉइंट या एक स्थान नीचे किसके हैं, KL राहुल। इसके अलावा दोस्तों, हम बात करें गेंदबाजों की, तो T20 में कोई भी भारतीय गेंदबाज मौजूद नहीं है, यानी कि ICC की रैंकिंग में टीम इंडिया के गेंदबाजों का फिलहाल उतना कमाल देखने को नहीं मिला है, लेकिन वनडे रैंकिंग में विराट कोहली नंबर 1 पर काबिज है, लेकिन रोहित शर्मा अब तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। वहीं पर दोस्तों, अब हम बात करते हैं दूसरे वनडे मुकाबले की, जहां पर टीम इंडिया को इस सीरीज को जीतने के लिए अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 उतारनी है। तो टीम इंडिया की तरफ से कई ऐसे शानदार खिलाड़ी हैं जो इस मुकाबले में खेलने वाले हैं, तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उन खिलाड़ियों के बारे में जो टीम इंडिया की तरफ से कमाल करने वाले हैं इस दूसरे वनडे मुकाबले में। तो दोस्तों, दूसरा वनडे मुकाबला शुरू होगा भारतीय समय अनुसार 1:30 पर 26 मार्च को, और ये मुकाबला पुणे के उसी मैदान पर खेला जाना है जहां पर पहला मुकाबला खेला गया है। और इस मुकाबले में टीम इंडिया की तरफ से ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे एक बार फिर हिटमैन और गब्बर, यानी कि हिटमैन और गब्बर की जोड़ी ही हमें दिखने वाली है। पहले मुकाबले में गब्बर ने शानदार 98 रनों की पारी खेली थी और शतक से मात्र 2 रन से चूक गए थे, लेकिन उम्मीद करते कि इस बार अगर ऐसा मौका आया तो वो अपना शानदार शतक पूरा करेंगे। तो वहीं पर रोहित शर्मा से भी एक बार फिर बड़ी पारी की उम्मीद रहेगी टीम को, और वो बड़ी पारी हो सकता है 2 रन तक हो। वहीं पर इसके बाद दोस्तों, नंबर 3 पर भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली उतरने वाले हैं। विराट कोहली का फॉर्म इस समय काफी शानदार है और वो साथ ही वनडे के नंबर 1 बल्लेबाज भी हैं, तो उम्मीद करते हैं कि वो नंबर 1 बल्लेबाज की तरह ही बल्लेबाजी करके दिखाएंगे। हालांकि विराट कोहली ने पिछले काफी समय से वनडे क्रिकेट में शतक नहीं लगाया है, उनका आखिरी शतक शायद 2019 में देखने को मिला था,
लेकिन अब उम्मीद करते हैं कि 2021 में वो अपना धमाकेदार शतक इसी मुकाबले में जड़ देंगे। वहीं पर इसके बाद दोस्तों टीम इंडिया की तरफ से नंबर 4 पर डेब्यू करने वाले हैं सूर्य कुमार यादव। सरेश अय्यर के बाहर होने के बाद अब सारी जिम्मेदारी सूर्य कुमार यादव के ऊपर आ चुकी है और उम्मीद करते हैं कि सूर्य का उदय ठीक उसी प्रकार से होगा जैसा इन्होंने T20 क्रिकेट में किया है। T20 क्रिकेट में धमाकेदार आगाज के बाद अब बारी है इनकी वनडे क्रिकेट में अपना लोहा मनवाने की। उम्मीद करते हैं कि सूर्य कुमार यादव वनडे क्रिकेट में भी ठीक उसी प्रकार की शुरुआत करेंगे जिस तरह से इन्होंने T20 क्रिकेट में धमाकेदार शुरुआत करके अपने आप को साबित कर दिया है T20 क्रिकेट में, और उम्मीद करते हैं कि वनडे क्रिकेट में भी वो अपनी जगह पक्की करने के लिए एक बेहतरीन पारी खेलेंगे डेब्यू मुकाबले में ही। इसके बाद दोस्तों भारतीय टीम की तरफ से नंबर 5 पर उतरने वाले हैं विकेटकीपर बल्लेबाज KL राहुल। KL राहुल भी काफ़ी शानदार फॉर्म में दिख रहे हैं, हालांकि उन्होंने एक ही मुकाबले में अच्छी पारी खेली है। इससे पहले वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में उतना कुछ खास कर नहीं पाए थे, लेकिन यहां पर पुणे में आते ही उनका बल्ले से रन निकलना शुरू हो गए और उम्मीद करते हैं कि एक बार फिर वो बेहतरीन पारी खेलेंगे इस मुकाबले में भी और टीम को शानदार फिनिश देंगे। तो वहीं पर नंबर 7 पर उतरने वाले हैं भारतीय टीम के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या पहले वनडे मुकाबले में कुछ खास नहीं कर पाए थे, गेंदबाजी में इन्हें एक भी ओवर फेंकने को नहीं मिला, तो वहीं पर बल्लेबाजी में इन्होंने 9 गेंदों पर सिर्फ 1 रन ही बना पाए और टीम के लिए उतना कुछ खास नहीं कर पाए। लेकिन जिस तरह के बल्लेबाज या फिर गेंदबाज हैं हार्दिक पांड्या, वो यहाँ पर एक शानदार ऑलराउंडर प्रदर्शन कर सकते हैं इस दूसरे वनडे मुकाबले में और टीम इंडिया की जीत में अहम भूमिका निभा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि हार्दिक पांड्या का परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार हो और टीम इंडिया के लिए ये मुकाबला भी बेहतरीन साबित हो। वहीं पर इसके अलावा नंबर 7 पर एक और पांड्या उतरने वाले हैं और वो है कुणाल पांड्या, जिन्होंने अपने डेब्यू मुकाबले में सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए थे और उम्मीद करते हैं कि एक बार फिर उसी प्रकार की आक्रामक पारी वो इस मुकाबले में भी खेले और इस बार गेंद से इनसे ज़्यादा अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद होगी। पहले वनडे मुकाबले में भले ही इन्हें गेंद से एक ही विकेट मिला हो, लेकिन बल्ले से जिस तरह की बल्लेबाजी की इन्होंने भारतीय टीम की जीत तय करने में सबसे अहम भूमिका निभाई थी। जहां एक समय टीम इंडिया लग रहा था कि अब 300 के स्कोर तक नहीं पहुँच पाएगी, वहाँ पर KL राहुल के साथ मिलकर कुणाल पांड्या ने जिस तरह की पार्टनरशिप की वो टीम इंडिया की जीत तय कर चुका था। इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर भारतीय टीम की तरफ से नंबर 8 पर शार्दुल ठाकुर उतरने वाले हैं, जो इंग्लैंड के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज में कमाल का परफॉर्मेंस कर रहे हैं और 3 मुकाबलों में भी वो एक ही ओवर में 2-2 विकेट चटकाकर टीम इंडिया की 3 मुकाबलों में शानदार वापसी करवा चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि इसी हाई कॉन्फिडेंस के साथ वो यहाँ पर इस मुकाबले में भी उतरेंगे। तो वहीं पर इसके बाद नंबर 9 पर उतरने वाले हैं भारतीय टीम की तरफ से भुवनेश्वर कुमार, जिनका परफॉर्मेंस भी काफ़ी शानदार है और उनका भी शानदार परफॉर्मेंस टीम इंडिया की गेंदबाजी में कहीं ना कहीं एक बेहतरीन रोल अदा कर रहा है। तो वहीं पर इसके बाद नंबर 10 पर उतरने वाले हैं प्रसिद्ध कृष्णा, जिन्होंने शानदार डेब्यू किया था अपना। तो वहीं पर नंबर 11 पर टीम इंडिया की तरफ से युजवेंद्र चहल इस मुकाबले में हमें खेलते हुए नजर आ सकते हैं। तो दोस्तों आपके हिसाब से टीम इंडिया की तरफ से कौन सा बल्लेबाज शानदार परफॉर्मेंस करेगा, कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करें।